So, very good morning, students. Today is 25-4-2020, and we will discuss about the gear pump, and we will forward our step for the pumping action, trapped oil, and pressure balancing. In my previous class, we have already discussed about the characteristics of the gear pump, and now in this class, we will discuss first pumping action of the gear pump. Pumping action of the gear pump. तो हम लोग को जैसे गियर पंप का एक मैं ब्रीफ एक बार कर देता हूँ. मान लो ये जो मेरा गियर पंप है, ये मैं गियर पंप का एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया हूँ, एक बेसिक मॉडल मैंने बताया हूँ. यहाँ पे क्या है, ये जो मेरा पाइप है, इस पाइप से मेरा फ्लूइड सक्शन होता है, और उसके बाद ड्यू टू द ड्राइविंग गियर, दिस इज माई ड्राइव गियर, this is my driver and this is my driving, right? Driver and driving. तो ये जब मेरा मोटर ऑन होता है, मोटर का शाफ्ट ऑन होता है, तो मेरा ये ड्राइवर गियर मेरा रोटेट करना शुरू करता है. कौन सा डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करता है. जब ये ड्राइवर गियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करता है, तब ड्राइविंग गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करता है. तो ड्राइविंग गियर, ड्राइवर गियर जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ड्राइवर गियर जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो दोनों के बीच में जब रोटेट कर रहा है, तब यहां से फ्लूइड सक्शन होके इस पोजीशन में आता है. ये गियर पंप का जो चेंबर है, वो चेंबर में आता है. उसके बाद कंटिन्यूअस रोटेटिंग के वजह से सबसे सक्शन पाइप के नियरेस्ट पॉइंट पे जो फ्लूइड का प्रेशर कम होता है, उसके बाद सक्शन पाइप से थोड़ा सा डिस्टेंस में फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा और ज्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा मैक्सिमम होता है, और उसके बाद मैक्सिमम प्रेशर लेके, मैक्सिमम पावर लेके वो फ्लूइड डिलीवरी पंप से, डिलीवरी पाइप से वो डिस्चार्ज होता है. तो मेरा यहाँ पे जो टॉपिक है, दैट इज पंपिंग एक्शन ऑफ द गियर पंप. बिकॉज सेमिस्टर क्वेश्चन में बोल देता है कि डिस्क्राइब अबाउट द गियर पंप और हाउ द पंपिंग एक्शन इज डन इन द गियर पंप, how the trapped oil is released or can be released in the gear pump. इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है. तो ये मेरा जो टॉपिक है, दैट इज पंपिंग एक्शन. थोड़ा सा ध्यान देना, जब ये ड्राइवर गियर का जो टीथ है, मैं थोड़ा सा सिग्निफाई स्पेसिफाई कर रहा हूं, ये जो ड्राइवर गियर का जो टीथ है, ये जो ड्राइवर गियर का टीथ है, ये टीथ ड्राइविंग गियर का टीथ के साथ कनेक्टेड है, मिस कंडीशन में है कुछ इस तरीके का, राइट? मिस कंडीशन में है कुछ इस तरीके का. अब जब मान लो ये मेरा ड्राइविंग ड्राइवर गियर है और ये मेरा ड्राइविंग गियर है, तो जब ड्राइवर गियर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करना शुरू करेगा, तब ड्राइविंग गियर ड्राइविंग गियर भी रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में. ये मेरा ड्राइवर गियर है, ड्राइवर गियर रोटेट कर रहा है, तो ड्राइविंग गियर का टूथ को भी वो रोटेट करने की कोशिश करेगा. तो ड्राइविंग गियर का टूथ जब रोटेट करेगा, तब सक्शन पाइप से मेरा फ्लूइड आएगा. बट कैसे फ्लूइड आता है, वो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है. क्योंकि ड्राइवर गियर का टीथ के साथ जब ड्राइविंग गियर का टीथ कनेक्टेड रहता है, मींस मेसिंग होता है, राइट? जब ड्राइवर गियर का टीथ और ड्राइविंग गियर का टीथ का जब मेसिंग पॉइंट में मेसिंग जब होता है, और जब ड्राइवर गियर रोटेट करना शुरू करता है, कुछ इस डायरेक्शन, देखो साइड इस तरीके से दिखा रहा हूं मैं, राइट? तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो फर्स्ट गियर का टीथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, सेकंड गियर का टीथ किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, सेकंड गियर का टीथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा. तो इस टाइम पे जब दोनों रोटेट कर रहा है, रोटेट करने के टाइम पे दोनों के एक टीथ दूसरा टीथ के साथ कनेक्टेड है. जब ये टीथ रोटेट किया, तब पहला वाला टीथ भी रोटेट करेगा, मींस ये वाला टीथ भी रोटेट करेगा. ध्यान से समझना, जब गियर का ये वाला टीथ एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तब ये वाला टीथ ऑब्वियसली क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. जब दोनों क्लॉकवाइज रोटेट कर, जब ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, फर्स्ट टीथ का मूवमेंट के बाद सम अमाउंट ऑफ वैक्यूम इज जनरेटेड. जब ये पहला वाला टीथ को, सिर्फ ये वाला पोर्शन को मैं अगर मैं दिखा रहा हूं, जब पहला वाला टीथ का कंडीशन, अभी कंडीशन हॉरिजॉन्टल है, राइट? अभी कंडीशन हॉरिजॉन्टल है. जब पहला वाला गियर का टीथ ऐसा होगा, तो दूसरा वाला गियर का टीथ कैसा होगा, दूसरा वाला गियर का टीथ इस कंडीशन में होगा. तो
ये तीत है, ये तीत है, ये जो तीत है ये वो तीत है, मान लो ये मेरा तीत ए से ए तीत है, ये मेरा बी तीत है, तो यहाँ पे ये ए है ये बी है, तो बी जब रोटेट किया तब ए मेरा इस कंडीशन में आया, उस टाइम ये मेरा मान लो सी है, उस टाइम सी का कंडीशन यहाँ पे है, राइट, ये सी है, ये है, ये सी है, ये ए है और ये बी है, तब मान लो यहाँ पे और एक अगर तीत रहता, मान लो ये डी है, तो डी का कनेक्शन कुछ इस कंडीशन में होगा, तो जब रोटेट करना शुरू करेगा तब ये जो बीच में जो वैकम क्रिएट हुआ, इस वैकम क्रिएट होने के वजह से सक्शन पाइप जो रिजर्वर टैंक में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्लूइड के अंदर जनरेट होता है, वो यहाँ पे जो तीत का मूवमेंट के साथ दोनों तीत के बीच में जो वैकम क्रिएट होता है, उसके वजह से रिजर्वर टैंक से जो फ्लूइड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से फोर्स अप करता है सक्शन पाइप के थ्रू में, और ये सक्शन पाइप के थ्रू में वो फ्लूइड एयर पंप का चेंबर में जाके वो कंप्रेस होना कोशिश करता है। फिर एक तीत का मूवमेंट के बाद जब डी और सी का कंडीशन ये बी और ए का कंडीशन के जैसा होगा, तब फिर से एक वैकम क्रिएट होगा, फिर से सक्शन पाइप से मोशन होगा, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट तीत के साथ जब ड्राइव नेक्स्ट तीत ऑफ ड्राइवर के साथ जब दूसरा तीत ऑफ ड्राइविंग का कनेक्शन पॉइंट आएगा, फिर उस टाइम एक वैकम क्रिएट होगा। तो ये कंटिन्यूअस बेसिस में तीत का मूवमेंट के वजह से, कंटिन्यूअस बेसिस में तीत का मूवमेंट के वजह से जो वैकम क्रिएट होता है, जो सक्शन क्रिएट होता है, उसके वजह से रिजर्वर टैंक से लिक्विड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहता है, जो लिक्विड वो सक्शन पाइप के थ्रू से चेंबर के अंदर आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द पंपिंग एक्शन ऑफ द गियर पंप। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर दो तीत का मूवमेंट, एक सर्टेन मूवमेंट के वजह से एक छोटा 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 स्पेस या वैकम जनरेट होता है, वो हर एक वैकम के वजह से रिजर्वर टैंक से ऑयल सक्शन होके वो वैकम को कंप्लीट करने का कोशिश करता है, वो वैकम को फुल करने का, वो वैकम को भर्ती करने का कोशिश करता है। इस तरीके से हम लोग गियर का मूवमेंट के मतलब मोटर के थ्रू से गियर का ड्राइवर गियर का मूवमेंट के वजह से हम लोग ड्राइविंग गियर को रोटेट करते हैं, और जो वैकम क्रिएट होता है दोनों दोनों गियर का तीत के बीच, उस वैकम को फुलफिल करने के लिए सक्शन रिजर्वर से वो फ्लूइड जो वो हाइड्रोलिक फ्लूइड डायरेक्ट वैकम को फुलफिल करने के लिए रिजर्वर टैंक से सक्शन पाइप के थ्रू से गियर पंप का चेंबर में घुसता है। बाकी जो लीकेजेस है वो लीकेज बाकी और अदर द एक्सेसरीज, जितना एक्सेसरीज हम लोग गियर पंप में यूज करते हैं वो एक्सेसरीज के वजह से वो लीकेज को हम लोग घटा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द पंपिंग एक्शन ऑफ द गियर पंप। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैप्ड ऑयल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैप्ड ऑयल, ट्रैप्ड ऑयल मतलब क्या है? ट्रैप्ड ऑयल मतलब है जब मेरा ड्राइवर गियर का मोशन हुआ तब ड्राइविंग गियर का भी मोशन हुआ, ड्राइवर गियर और ड्राइविंग गियर के मोशन के बीच जो सक्शन जो वैकम जनरेट हुआ, तो उसके वजह से सक्शन पाइप के थ्रू से रिजर्वर से हाइड्रोलिक फ्लूइड गियर पंप का चेंबर में एंट्री करता है। तो यहाँ पे जब भी दोनों गियर के बीच इस जो दोनों गियर के बीच जो वैकम जनरेट होता है, वो वैकम को कौन फुलफिल करता है? वो वैकम को हाइड्रोलिक ऑयल फुलफिल करता है। तो कभी कभी क्या देखा जाता है कि वो हाइड्रोलिक फ्लूइड गियर का दोनों गियर का तीत के बीच में ट्रैप्ड हो जाता है, जम जाता है, स्टोर हो जाता है। तो उस ट्रैप ऑयल को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं सैलो रिसेस, सैलो रिसेस। ओके, तो मैं फिर से और एक बार बोल रहा हूं कि जब दोनों गियर जब ड्राइवर गियर मोटर के थ्रू से ऑन होता है, तो ड्राइवर गियर घूम रोटेट करना शुरू होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब ड्राइविंग गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। जब दोनों गियर रोटेट करना शुरू करता है तो दोनों गियर के तीत के बीच जो गैप जनरेट होता है कंटिन्यूअस रोटेशन के वजह से, उसके वजह से गियर चेंबर सॉरी गियर पंप चेंबर में एक वैकम क्रिएट होता है। उस वैकम को फुलफिल करने के लिए रिजर्वर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो ऑयल रहता है, वो ऑयल सक्शन पाइप के थ्रू से डायरेक्टली
वो वैकम को फुलफिल करता है, गियर पंप का चेंबर के अंदर घुसता है, राइट। बट कभी कभी देखा जाता है कि सम अमाउंट ऑफ ऑयल, सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड इज ट्रैप्ड इन दिस, इन बिटवीन दिस टू गियर टीथ, एंड फॉर दैट केस वी हैव टू रिलीज दिस ट्रैप्ड ऑयल। बिकॉज अगर हम लोग ये दोनों गियर के टीथ के बीच कंटिन्यूअसली अगर ट्रैप्ड ऑयल सब जो कंटिन्यूअसली अगर ट्रैप्ड ऑयल यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने दिखाया कि अगर कंटिन्यूअसली दोनों गियर के बीच अगर ऑयल ट्रैप्ड होना शुरू हो जाएगा तो हम लोगों का एक सर्टेन टाइम आएगा जिस टाइम गियर रोटेट करने का कोशिश करेगा, बट ड्यू टू द हेवी थिकनेस, हेवी डेंसिटी ऑफ द ऑयल दैट गियर कैन बी मूव। और अगर गियर मूव नहीं होगा बट शाफ्ट, मोटर का शाफ्ट कंटिन्यूअसली मूव करेगा, तो मे बी गियर टूट सकता है, मे बी गियर जिस शाफ्ट के साथ मोटर के साथ, मोटर का शाफ्ट के साथ कपल हुआ है वो शाफ्ट टूट सकता है। इसीलिए ये जो ऑयल जो ट्रैप होता है गियर टीथ के बीच, ये ऑयल को हम लोग को रिमूव करने का जरूरत पड़ता है। रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सैलो रिसेस। ये सैलो रिसेस क्या है, ये डिस्चार्ज साइड में रहता है। डिस्चार्ज साइड मतलब इस पोजीशन में रहता है जहां पे मेरा डिलीवरी होता है, ये डिलीवरी साइड में ये सैलो रिसेस रहता है, जो क्या करता है, इफ द पंप कैन बी रन इन द आइदर डायरेक्शन। ये सैलो रिसेस, यहां पे मैंने क्या एक सिंगल डायरेक्शन दिखाया, सक्शन हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है, ड्राइवर गियर रोटेट कर रहा है, ड्राइविंग गियर रोटेट कर रहा है, ड्राइवर गियर रोटेट कर रहा है, ड्राइविंग गियर रोटेट कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो वैकम जनरेट हो रहा है तो सक्शन के थ्रू, सक्शन पाइप के थ्रू से ऑयल यहाँ पे आ रहा है और कंप्रेस होके डिस्चार्ज हो रहा है। जब वो कंप्रेस हो रहा है कंटिन्यूअस बेसिस में प्रेशर रेट बढ़ रहा है, प्रेशर रेट बढ़ रहा है मतलब उसके अंदर एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, पावर जनरेट हो रहा है, वो पावर, वो एक सर्टेन पावर के सर्टेन एक्सटेंड ऑफ प्रेशर के साथ वो डिलीवरी पाइप से आउट हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक सैलो रिसेस यूज करते हैं। बट कोई कोई गियर पंप ये होता है कि रिवर्सिबल होता है, कभी ये जो सक्शन पाइप, मान लो यहाँ पे सक्शन पाइप है, यहाँ पे डिलीवरी पाइप है, सिर्फ ऑपोजिट में यहाँ पे डिलीवरी है, यहाँ पे डिलीवरी है और यहाँ पे सक्शन है, राइट, मतलब ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट, यहाँ पे सक्शन है और यहाँ पे डिलीवरी है। तो मान लो ये अगर दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उस टाइम हम लोग दोनों सैलो रिसेस यूज करते हैं। तो if the pump can be run in either direction, मतलब both direction में, then that time we are using two shallow recess in both discharge pump, okay? So it gradually the rise of the gear pump when the design ये जो gear pump का design, when the design is such that the idler of the gear at the bushing is shown is here, means यहाँ पे जो क्या किया है, यहाँ पे जो गियर पंप में यहाँ पे जो सैलो रिसेस हम लोग यूज करते हैं, सैलो रिसेस मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल टाइप ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एक रिलीज वाल्व। ये क्या करता है, जितना जो ट्रैप ऑयल होता है वो ट्रैप ऑयल, अगर मैं ये सैलो रिसेस को एक्टिवेट करता हूँ, सैलो रिसेस को अगर हम लोग क्लिक करते हैं, सैलो रिसेस का बटन को अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो सैलो रिसेस से जितना मेरा ट्रैप्ड ऑयल है वो मेरा निकल जाता है। तो ये सैलो रिसेस जब मेरा पाइप रिवर्सिबल, जब मेरा पंप रिवर्सिबल पंप नहीं है, इररिवर्सिबल है, मतलब एक ही डायरेक्शन से सक्शन होगा और दूसरे डायरेक्शन से डिलीवरी होगा, तब हम लोग सैलो रिसेस यूज करेंगे। कहाँ पे, एक ही सैलो रिसेस यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, हम लोग डिलीवरी पाइप की जगह डिलीवरी पाइप में यूज करते हैं, क्योंकि डिलीवरी पाइप में सबसे ज्यादा प्रेशर हेड जनरेट होता है। और जब अगर पाइप मेरे पंप अगर मेरे रिवर्सिबल है, मतलब बोथ साइड से सक्शन एंड डिलीवरी दोनों हो सकता है, तो उस टाइम हम लोग बोथ साइड का डिलीवरी और डिस्चार्ज पाइप में हम लोग दो सैलो रिसेस यूज करते हैं, राइट। अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ रिलीविंग एंट्रैप्ड ऑयल कंसिस्ट द मेकिंग द शाफ्ट होलो एंड डिस्चार्जिंग एंट्रैप्ड ऑयल थ्रू अ सेपरेट कनेक्शन। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो शाफ्ट, हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग शाफ्ट को होलो बना सकते हैं। एक तो मेरा ट्रैप्ड ऑयल को निकालने के लिए हम लोग सैलो रिसेस यूज करते हैं, दूसरा हम लोग यूज करते हैं शाफ्ट शुड बी हॉलो। अगर मेरा शाफ्ट मेरा अगर हॉलो होगा तो वो हॉलो शाफ्ट के थ्रू से भी हम लोग ये ट्रैप्ड ऑयल को रिमूव कर सकते हैं। थर्ड वन है बुशिंग। मतलब क्या है, बुशिंग को अगर हम लोग बुश यूज करते हैं शाफ्ट में, अगर मैं शाफ्ट में बुश को यूज करूंगा तो बुश क्या करता है, जो कंटिन्यू बुश का जो मोशन होता है, बुश का मोशन के वजह से जो मेरा सक्शन क्रिएट होता है, उस सक्शन के वजह से यहाँ पे जो बीच में जो ट्रैप ऑयल जमा हुआ रहता है
वो ट्रैप्ड ऑयल उस बुशिंग का रिलीजिंग की वजह से, बुशिंग को हल्का कम, बुशिंग का मोशन, बुशिंग को अगर हम लोग रिलीज कर देंगे, जैसे नट बोल्ट को अगर मैं जैसे नट बोल्ट को अगर मैं घुमाता हूँ ना, इस डायरेक्शन में घुमाता हूँ, तो मेरा बोल्ट को मैं लूज करता हूँ, टाइट करता हूँ, तो वैसे ही अगर मैं बुश को लूज कर दूंगा तो मेरा इसके बीच जो एंट्रैप्ड ऑयल है, जो मेरा ये दोनों गियर के बीच जमा हुआ रहता है, वो ऑयल मेरा रिलीज हो जाता है। सो व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ द ट्रैप्ड ऑयल, रिलीज ऑफ द ट्रैप्ड ऑयल, ट्रैप्ड ऑयल मतलब पहले अगर मुझे पूछेगा कि हाउ वी कैन रिलीज द ट्रैप्ड ऑयल फ्रॉम द गियर पंप, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट थ्री पॉइंट। फर्स्ट वन इज सैलोरीसिस, सेकंड वन इज शाफ्ट शुड बी हॉलो, एंड थर्ड पॉइंट इज बुशिंग। And what is the meaning of the trapped oil? तो मैं बोलूँगा कि जब मेरा एकदम starting से शुरू करेंगे, motor का shaft rotate करना शुरू करता है, तो driver का shaft, driver gear के shaft भी rotate करता है, तब मेरा driver gear anti-clockwise direction में rotate करेगा, तो driver driving gear मेरा clockwise direction में rotate करेगा। जब दोनों rotate करता है तो दोनों teeth का जो connection के बीच, दोनों एक teeth के साथ एक teeth का connection हुआ, फिर जब वो एक तीत दूसरा तीत का कनेक्शन छोड़ रहा है, फिर उस टाइम उसका ऊपर वाला तीत, ड्राइवर गियर का ऊपर वाला तीत और ड्राइविंग गियर का ऊपर वाला तीत, मतलब ड्राइवर गियर का ऊपर वाला तीत और ड्राइविंग गियर का ऊपर वाला तीत, फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब एक तीत दूसरा तीत को अगर ऐसे इस तरह डायरेक्शन है, एक तीत अगर दूसरा तीत को ऐसे करके रिलीज कर रहा है, तो इस गियर का ऊपर वाला जो तीत, इस गियर का ऊपर वाला जो तीत है और इस गियर का जो ऊपर वाला तीत है, दोनों तीत एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये जो सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बीच में जो सक्शन जनरेट होता है, बीच में जो वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसके वजह से मेरा फ्लूइड पंपिंग एक्शन के थ्रू से रिजर्वर टैंक से ऊपर की तरफ जाता है, गियर पंप चेंबर में एंट्री करता है, और इसी टाइम पे दोनों गियर के बीच सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड कैन बी इंट्रैप्ड, एंड फॉर दैट केस इफ कंटिन्यूअस बेसिस में अगर वो ऑयल कंटिन्यूअस बेसिस में अगर दोनों गियर के बीच ट्रैप होता जाएगा, तो मेरा क्या होगा, ड्यू टू द हेवी थिकनेस द गियर कांट बी रोटेट, बट अदर साइड द मोटर शाफ्ट विल रोटेट, सो दैट टाइम द गियर शाफ्ट कैन बी ब्रोकन, और द गियर ड्राइवर गियर शुड बी ब्रोकन, और कैन बी ड्राइविंग गियर कैन बी ब्रोकन। सो फॉर दैट केस we have to release that trapped oil, and how we will release that trapped oil, we have to use these three process. First one is saloresis, which is a very small volume part of a gear pump, jo mera ye trapped oil ko release karne ka kaam aata hai. Second is shaft should be hollow, jo shaft hum log use karte hai wo shaft ko agar hum log hollow use karenge to maybe some amount of oil jo mera trapped hota hai wo hollow shaft se release kar sakte hai, karwa sakte hai hum log. Third one is bushing, बुशिंग को हम लोग, ये बुश को हम लोग शाफ्ट में यूज करते हैं, ये बुश को अगर हम लोग शाफ्ट में यूज करते हैं, अगर बुश को अगर हम लोग लूज करते हैं, जैसे हम लोग नट बोल्ट को लूज करते हैं, वैसे अगर बुश को अगर हम लोग शाफ्ट से लूज करते हैं, तो मेरा जो इंट्रैप्ड ऑयल है दोनों गियर का तीत के बीच, वो ऑयल मेरा रिलीज हो सकता है। सैलोरीसिस का और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सैलोरीसिस इज ऑलवेज फिक्स्ड ऑन द डिस्चार्ज पोर्शन, राइट right? तो सैलोरीसिस हमेशा डिस्चार्ज पोर्शन में यूज किया जाता है। अगर मेरा पाइप इरिवर्सिबल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में सक्शन और एक ही डायरेक्शन से डिलीवरी होता है, तो मैं सैलोरीसिस एक यूज करेंगे जो मेरा डिलीवरी के साइड में रहता है। और अगर मेरा ये पंप अगर मेरा रिवर्सिबल है, मतलब दोनों बोथ डायरेक्शन में सक्शन और बोथ डायरेक्शन में मेरा डिलीवरी होता है, तो मैं सैलोरीसिस दो यूज करूंगा, क्योंकि दोनों साइड से अगर जब डिस्चार्ज होगा तो दोनों साइड का डिस्चार्ज पोर्शन में हम लोग ये सैलोरीसिस यूज कर सकते हैं। सो दीस आर द कंडीशंस ऑफ द ट्रैप्ड ऑयल, दीस आर द कंडीशन हाउ वी विल रिलीज दिस एंट्रैप्ड ऑयल फ्रॉम द गियर टी। नाउ वी विल सी द प्रेशर बैलेंसिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर बैलेंसिंग। लुक, दो दिन से जो मैं गियर पंप के बारे में पढ़ा रहा हूँ, उसमें हम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गियर पंप में जब दोनों गियर रोटेट करता है, उस टाइम जो फ्लूइड सक्शन पाइप के थ्रू से एंट्री करता है ये चेंबर में, दैट टाइम ड्राइविंग गियर का मोशन के वजह से सम अमाउंट ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज। यहाँ पे मैंने ये भी दिखाया हूँ, देखो सक्शन पाइप का नियरेस्ट सेक्शन में जितना प्रेशर रेड होता है, बट सक्शन पाइप का फार अवे सेक्शन में उससे ज्यादा प्रेशर रेड होता है, क्योंकि गियर कंटिन्यूअसली जब रोटेट करेगा तब वो फ्लूइड का जो फ्लूइड को कंप्रेस होते हुए रोटेट करेगा, उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है वो प्रेशर मेरा ऐसा ऐसा बढ़ता है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सक्शन पाइप में पाइप का नियरेस्ट पोर्शन में प्रेशर कम होता है, और डिलीवरी पाइप का जो नियरेस्ट सेक्शन में प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये जो इस सेक्शन से ये जो सेक्शन में, दोनों सेक्शन में, मतलब सक्शन सेक्शन एंड डिलीवरी सेक्शन,
ये सेक्शन में जो मेरा ग्रह मतलब ये जो मेरा कार्ब जनरेट होता है, ये मेरा डिलीवरी, ये मेरा सक्शन, ये जो मेरा कार्ब जनरेट होता है इस तरीके का, मतलब सक्शन पाइप ये वाला और डिलीवरी पाइप ये वाला, ये जो मेरा कार्ब जनरेट होता है, देखो यहां से लेकर यहां तक ये जो मेरा डिफरेंस जनरेट होता है, ये डिफरेंस को डिफरेंस मतलब ग्रेजुअली वैरी करता है। तो फिर इसका मतलब है कि सक्शन पाइप का नियरेस्ट सेक्शन में जितना प्रेशर रहता है, डिलीवरी पाइप का नियरेस्ट सेक्शन में उतना प्रेशर नहीं रहता है, जिसके वजह से प्रेशर अनबैलेंस्ड होता है। और ये प्रेशर अगर अनबैलेंस्ड होगा तो मेरा यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन, वेरियस टाइप्स ऑफ कोरप्शन, वेरियस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन, वेरियस टाइप ऑफ कोरोजन, एंड साथ में एक नॉइस क्रिएट हो सकता है। जिस जो नॉइस हम लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े थे, हम लोग वाटर हैमर पढ़े थे, वाटर हैमर में अगर फ्लूइड फ्लो कंटिन्यूअस करते हैं तो अचानक अगर हम लोग उस फ्लूइड का फ्लो को रोक देते हैं तो फ्लूइड का अंदर एक बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर वेव क्रिएट होता है, पूरा वेलोसिटी एनर्जी प्रेशर वेव में कन्वर्ट हो जाता है, और वो प्रेशर वेव एक साउंड क्रिएट करता है जिसको हम लोग नॉकिंग बोलते हैं, और वो पाइप मटेरियल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग वाटर हैमर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज, ऑयल का जब प्रेशर कंटिन्यूअस बढ़ता है उसके वजह से जो प्रेशर अनबैलेंस्ड होता है, इस सेक्शन का जो मटेरियल है, ये मटेरियल कम प्रेशर के वजह से सक्शन पाइप का सेक्शन में जो भी मटेरियल है, सक्शन पाइप का नियरेस्ट सेक्शन में जो भी मटेरियल है, वो मटेरियल प्रेशर कम होने के वजह से वो चीज को, वो प्रेशर को वो हैंडल कर पाता है, वो उसको वो शॉक एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बट यहाँ पे ड्यू टू द हेवी हाई प्रेशर, यहाँ का जो मटेरियल है वो मटेरियल वो है मतलब वो उतना प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये प्रेशर को बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग एक वाल्व यूज करते हैं। फर्स्ट वन हम लोग एक वाल्व यूज करते हैं, एंड सेकेंड वन हम लोग यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट, हम लोग एक यहाँ पे शॉर्टेस्ट वन डार्क यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं डार्क। फर्स्ट वन इज वाल्व, सेकेंड वन इज डार्क। अगर हम लोग ये वाल्व को यूज करेंगे तो ये जो प्रेशर लेके जब जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे वाल्व को रिलीज, वाल्व को अगर कोई वाल्व अगर यूज करेंगे तो वो जो प्रेशर बढ़ रहा है, और उस बढ़ने की वजह से अगर इनकेस, जैसे हर चीज में एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, सेफ्टी सिस्टम होता है, जैसे प्रेशर कुकर एग्जांपल मान लो, एक प्रेशर कुकर का जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तब प्रेशर कुकर के ऊपर जो प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, वो प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ के जितना अंदर का प्रेशर है उसको रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे भी सिर्फ वही चीज होता है, हम लोग एक वाल्व यूज कर सकते हैं। उस वाल्व की वजह से अगर मान लो जो डिलीवरी सेक्शन के यहाँ पे जितना प्रेशर, जितना मटेरियल्स है, जो भी मटेरियल्स है, जो भी मटेरियल से बना हुआ सिस्टम है, वो सिस्टम मान लो ये जो प्रेशर जनरेट होता है मैक्सिमम प्रेशर को क्रॉस कर गया और वो मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तब ये वाल्व ऑटोमेटिकली वो प्रेशर को, जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सेस हुआ है जिसके वजह से ये मटेरियल वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, वो शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उतना एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर को वो वाल्व रिलीज कर देता है। या तो हम लोग डक्ट यूज कर सकते हैं। डक्ट यूज करने से क्या होता है कि जितना अमाउंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड का प्रेशर, जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर फ्लूइड के अंदर जनरेट हुआ है, हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड को बाईपास करके, डक्ट से बाईपास कर देते हैं, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फ्लूइड को डक्ट से बाईपास करते हैं, एंड उसको फिर से हम लोग रिजर्वर टैंक में एंट्री करवा देते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड डक्ट के थ्रू से बाईपास हो गया, जिसकी वजह से इस एरिया में जो एक्सेस प्रेशर जनरेट हुआ, वो एक्सेस प्रेशर मेरा क्या होता है, घट जाता है। जब मेरा एक्सेस प्रेशर घट जाता है तब यहाँ पे डिलीवरी पाइप में कोई परेशानी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो आराम से वहां का जो मटेरियल्स है वो मटेरियल्स वो मतलब एक्सेस प्रेशर की वजह से जो शॉक जनरेट होता है, जो हेवी लोड जनरेट होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और हम लोग का जो गियर पंप है वो गियर पंप बहुत स्मूथली ऑपरेशन करता है। तो ये मेरा दो ऑप्शन है, वाल्व एंड डक्ट। ये वाल्व एंड डक्ट की वजह से हम लोग गियर पंप में जनरेट हुआ एक्सेस प्रेशर को हम लोग रिलीज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाई वी विल रिलीज दिस वाल्व, क्यों और क्यों ऐसा हम लोगों को करना पड़ता है, ये हम लोग देखेंगे। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स क्या स्टेट करता है, प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, पास्कल्स लॉ, प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सेकेंड, प्रेशर एक्सर्टेड अपॉन वन पॉइंट ऑफ एरिया ऑफ ए फ्लूइड बॉडी इमीडिएटली ट्रांसलेट टू द ऑल पोर्शन ऑफ द बॉडी, प्रेशर एक्सर्टेड
फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन, अनदर पोर्शन ऑफ फ्लूइड, अनदर पोर्शन ऑफ फ्लूइड. ओके, पॉइंट नंबर थ्री. पॉइंट नंबर थ्री, प्रेशर ऑलवेज सीक टू मूव द फ्लूइड फ्रॉम अ हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर पॉइंट. प्रेशर ऑलवेज सीक्स टू मूव द फ्लूइड, टू मूव द फ्लूइड फ्रॉम हाई प्रेशर जोन, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ओके, नेक्स्ट, प्रेशर एक्टिंग अपॉन एन एरिया बिकमिंग अ फोर्स. प्रेशर एक्टिंग अपॉन अ एरिया, अपन अ एरिया बिकमिंग अ फोर्स, बिकमिंग अ फोर्स. इसका मतलब क्या है? तो ये चार पॉइंट क्या फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग जब पढ़े थे फोर्थ सेमेस्टर में, तो ये चार पॉइंट के ऊपर हम लोगों को क्या ध्यान देना पड़ा था, ये चार पॉइंट हम लोग सीखे थे. प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द पास्कल्स लॉ. प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम वन पोर्शन टू द अनदर पोर्शन ऑफ द फ्लूइड. इट्स ऑलवेज ऑब्वियसली, अगर मैं अगर एक सर्टेन एक बलून के अंदर अगर मैं पाइप अगर मैं कोई प्रेशर फ्लूइड को मैं भरता हूँ, तो और उसके बाद अगर हम लोग बलून का बाहर सर्कमफरेंशियल एरिया के ऊपर अगर कोई प्रेशर क्रिएट करता हूँ, तो वो प्रेशर कंटिन्यू तुरंत वो बलून फटता नहीं है, क्योंकि जब मैं प्रेशर क्रिएट करता हूँ सर्टेन सर्कमफरेंशियल एरिया के ऊपर, मतलब इस तरीके का कुछ. मान लो ये मेरा बलून है और यहाँ पे ये बलून का मुंह ब्लॉक हुआ है, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करूंगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करूंगा, तो मेरा अंदर का जितना फ्लूइड है वो मुझे ऑब्वियसली सेक्शन में प्रेशर मेरा रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंट करेगा. जब मेरा प्रेशर को मैं दोनों साइड से कंटिन्यूअस बढ़ाता जाऊंगा, तब ये प्रेशर क्या होगा, सारा फ्लूइड के अंदर जनरेट हो जाएगा. और जब सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर और ज्यादा करूंगा, तो जब ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो ये बलून फट जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम वन पोर्शन टू द अनदर पोर्शन ऑफ द फ्लूइड. थर्ड पॉइंट, प्रेशर ऑलवेज सीक्स टू मूव द फ्लूइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ये ऑब्वियसली सही है, नहीं तो अगर यहाँ पे जब सक्शन क्रिएट हो रहा है, जब सक्शन क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लो प्रेशर हो गया है दोनों गियर के टीथ के बीच. जब यहाँ पे लो प्रेशर हुआ है, तब रिजर्वर टैंक में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिक्विड था, वो लिक्विड का जो प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है फ्रॉम कंपैरिजन टू दिस पोर्शन. तो फिर इस कंडीशन में हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के तरफ फ्लूइड जाता है टू फुलफिल द सक्शन, टू फुलफिल द वैक्यूम. तो ये मेरा एक पॉइंट हुआ. नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर एक्टिंग अपॉन एन एरिया बिकमिंग अ फोर्स. प्रेशर अगर कोई एरिया के ऊपर काम करता है, तो वो एक फोर्स में जनरेट होता है, बिकॉज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. तो कोई एरिया के ऊपर, कोई यूनिट एरिया के ऊपर अगर प्रेशर काम करेगा, तो वो एक फोर्स जनरेट करता है. तो ये चार पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखा जाए कि अगर मेरा यहाँ पे सक्शन पाइप का सेक्शन से अगर डिलीवरी पाइप का सेक्शन तक प्रेशर ग्रेजुअली वैरी कर रहा है, प्रेशर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेशर हेड ग्रेजुअली बढ़ रहा है. जब प्रेशर हेड ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तब ऑब्वियसली ये डिलीवरी सेक्शन का एरिया के ऊपर बहुत सारा फोर्स जनरेट होता है. तो यहाँ पे जब कम प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहाँ का जो मटेरियल है वो लोड एब्जॉर्ब कर पाता है, लेकिन यहाँ का जो मटेरियल है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स और सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकता है. तो अगर इस यहाँ पे इफ एनी सर्टेन कंडीशन अगर प्रेशर बढ़ जाता है, एक्सेस प्रेशर हो जाता है, तो फोर्स एक्सेस हो जाता है, जिसकी वजह से डिलीवरी पाइप का सेक्शन में जो मटेरियल है, डिलीवरी पाइप का सेक्शन का जो मटेरियल है, वो मटेरियल वो शॉक वो फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये डिलीवरी एरिया में कोरोजन आ सकता है, डिलीवरी पाइप का पोर्शन टूट सकता है. इसीलिए हम लोग को दो चीज यूज कर सकते हैं हम लोग. एक है मेरा वाल्व, जो मेरा क्या करता है, जो प्रेशर एक्सेस होता है, जो प्रेशर मेरा, जो फोर्स मेरा एक्सेस जनरेट होता है, वो प्रेशर या फोर्स को वो वाल्व की वजह से हम लोग रिलीज कर सकते हैं जितना एक्सेस प्रेशर और फोर्स को. और डाफ्ट यूज कर सकते हैं, डाफ्ट यूज करने से वो जो एक्सेस प्रेशर या फोर्स जनरेट होता है, उस एक्सेस प्रेशर और फ्लूइड को, फ्लूइड का एक्सेस प्रेशर और फोर्स का फ्लूइड को हम लोग डाफ्ट के थ्रू से बाईपास करके फिर से हम लोग रिजर्वर टैंक में ला सकते हैं, और रिजर्वर टैंक से अगेन गियर का मूवमेंट के वजह से, सक्शन क्रिएट होने के वजह से,
फिर से वही ऑयल को फिर से हम लोग गियर के गियर पंप का चेंबर में एंट्री करवा सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन क्लैरिफाई द पंपिंग एक्शन, ट्रैप्ड ऑयल एक्शन एंड प्रेशर बैलेंसिंग। तो हम लोगों का जो गियर पंप का सेक्शन में तीन गियर पंप का पहला दिन कल वाला दिन कैरेक्टरिस्टिक समझाए थे, आज हम लोग तीन चीज देखे, पंपिंग एक्शन कैसे पंपिंग होता है ऑयल, दूसरा ट्रैप्ड ऑयल, अगर दोनों गियर के बीच ऑयल ट्रैप्ड होता है तो इसको हम लोग कैसे, ये क्या, इसको हम लोग ट्रैप्ड ऑयल किसको बोलते हैं, और ट्रैप्ड ऑयल को रिलीज करने का फंडास क्या है, सैलो रिसेट यूज कर सकते हैं, वाल्व यूज कर सकते हैं, बुश यूज कर सकते हैं शाफ्ट में, और प्रेशर बैलेंसिंग अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड का मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हम लोग चीज सीखे थे फोर्थ सेमेस्टर में, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग सम प्रॉब्लम इफ द प्रेशर वैरीज फ्रॉम द सक्शन पाइप टू द डिलीवरी पाइप, फॉर दैट केस वी हैव टू द बैलेंस दिस प्रेशर बाय यूजिंग वाल्व एंड डक्ट, एंड वाल्व एंड डक्ट को यूज करने के वजह से जो एक्सेस प्रेशर या एक्सेस फोर्स जनरेट होता है डिलीवरी पाइप में वो हम लोग रिलीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग गियर पंप में हम लोग गियर पंप को यूज करके फ्लूइड का प्रेशर बढ़ा सकते हैं और फ्लूइड का हम लोग पावर ले सकते हैं। So today I am concluding my classes. So thank you for attending my class. Tomorrow I will again discuss about the wear plates, manufacturing requirement, manufacturing ranges of the gear pump. So thank you for attending my class. Stay home and save life. Thank you.